आपकी आइल्स स्पीकिंग और आपकी आइल्स राइटिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए आज हम ये कंसेप्ट लर्न करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज इट इज़ कंफ्यूजिंग फॉर सर्टेन स्टूडेंट्स. दे स्टिल थिंक कि इसका क्या मतलब होता है या ये सेंटेंस में क्यों यूज़ होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आज इस कन्फ्यूजन को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं. आफ्टर का जब हम यूज़ करते हैं, आफ्टर का यूज़ आपको पता होगा तो ये उससे मिलता जुलता ही है. Having plus third form of the verb, उसके बाद कॉमा आती है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आता है. लाइक पहले एक सेंटेंस बनाते हैं, having watched the TV for long time, for a long time. I, कॉमा के बाद आई कैपिटल, I did not have any energy to do my work. Having watched, अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं टीवी देखने के बाद मुझमें काम करने की एनर्जी नहीं बची थी टीवी देखने के बाद, तो के बाद को हम क्या कहते हैं, आफ्टर. आफ्टर के साथ जब भी आपने वर्ब यूज़ करनी है उसके साथ आईएनजी ज़रूर लगाना है. जब भी आफ्टर के बाद डायरेक्टली वर्ब आ रही है, आफ्टर वॉचिंग, आप यही कहोगे आफ्टर वॉचिंग. और वैसे भी आई ऑलवेज टेल कि जब भी कोई प्रपोजिशन है टू को छोड़ के किसी भी प्रपोजिशन के साथ जब वो आ रही है डायरेक्टली, तो हम उसके साथ ing लगाते हैं, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, टू, इन, विद, कुछ भी. आफ्टर वॉचिंग टीवी आप यही कहोगे. आगे ये सेम सेंटेंस, आई डिड नॉट हैव एनर्जी, आफ्टर वॉचिंग टीवी आई डिड नॉट हैव एनर्जी. तो ये उसी का ही अल्टरनेटिव है. बस ये कि रूल आपको यहाँ पर आफ्टर वॉचिंग था, यहाँ पर ये याद रखना है कि आई एन जी इधर लग गया, हैविंग वॉच्ड, और यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग वॉच्ड द टीवी. तो अब आप अपने आप से सेंटेंस बना सकते हो, लाइक शॉपिंग करने के बाद आई मैं अपने फ्रेंड से मिलने चला गया, तो हैविंग डन द शॉपिंग, हैविंग डन करना, अब शॉप्ड, हैविंग शॉप्ड भी कह सकते हैं, हैविंग शॉप्ड फॉर सम टाइम, लाइक शॉप करने के बाद चीज़ें, हैविंग शॉप्ड माय एसेंशियल प्रोडक्ट्स, हैविंग शॉप्ड माय नेसेसिटीज, अपनी नेसेसिटीज को शॉप करने के बाद. अब यहाँ पर ये ना कुछ एडवांस चीज़ें आ जाती कि आप डन की जगह शॉप्ड ले रहे हो, क्योंकि आप इस चीज़ को आप अवेयर रहोगे कि शॉप भी तो एक वर्ब है, मैं इसको क्यों नहीं एज अ वर्ब यूज़ कर रहा हूँ. तो ये चीज़ें अगर हम छोटी छोटी अवेयर रहें कि शॉप भी वर्ब है, तो मैं हैविंग शॉप्ड माय नेसेसिटीज अगर मैं ऐसे लूँ तो वो थोड़ा सा और एडवांस लगता है हैविंग डन द शॉपिंग से. तो दीज थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, हैविंग डन द शॉपिंग या हैविंग शॉप्ड माय नेसेसिटीज, कॉमा यानी अपनी नेसेसिटीज़ को शॉप करने के बाद, क्या करने के बाद यहाँ पर ये बताया गया और कुछ नहीं. उसके बाद कॉमा के बाद हम पूरा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखेंगे. इंडिपेंडेंट सेंटेंस मीन्स उसको अगर हम बोलें अपने आप में, अगर मैं उसको सिर्फ इंडिपेंडेंट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज का यही मतलब होता है कि अगर मैं उसको यहाँ से यहाँ तक बोलूँ, ये हटा भी दूँ तो भी ये सेंस बनाएगा, इसका मतलब बनेगा. यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. तो ऐसे ही कॉमा के बाद, लाइक हैविंग शॉप्ड माय नेसेसिटीज, आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलने चला गया. आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड, और टू के बाद क्या मीट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा टू के बाद. आई वेंट है क्योंकि सेकंड फॉर्म, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, मैं गया. तो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑन हैविंग. एंड अगर आप चाहते हो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आप पहले क्लियर करो कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखने से पहले, बिकॉज यही शुरुआत है. अगर आप स्पीकिंग में इस तरह से कुछ मोल्ड करके चीज़ों को बोलो, नॉर्मली आफ्टर नहीं बोलोगे, तो ये सब चीज़ें नॉट होती हैं, बिकॉज ये चीज़ें कॉमन नहीं होती, ये सारे स्टूडेंट्स नहीं बोलते. तो अगर आप चाहते हो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हम करें, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड येस यू कैन हैव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड यू कैन व्हाट्सएप मी इफ यू वॉन्ट online coaching. Thank you.